प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। सो दिस इज भगवत गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 21। भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 700 श्लोकास। उसमें से थर्ड चैप्टर का 21st श्लोक है। ये फॉर्मेट है श्लोकास को लिखने का। तो इसका उत्तर क्या है, मींस इसका जो मेन रहस्य है वो क्या है, दैट व्हाटएवर एक्शंस ग्रेट मैन परफॉर्म द कॉमन मैन फॉलो इट एंड व्हाटएवर स्टैंडर्ड्स ही और शी सेट्स बाय एग्जांपलरी एक्ट्स द होल वर्ल्ड परस्यूज देम। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ कि जो जो भी आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं पूरी दुनिया उन्हीं को फॉलो करती है और जो जो भी महान कार्य वह करते हैं एग्जाम्पल सेट करते हैं उसी पर पूरी दुनिया चलती है। देखिए आप आजकल बहुत ही बड़ा ट्रेंड है कि जो भी नई हीरोइन आती है जो भी फेमस होती है उसकी जैसे हेयर स्टाइल बना लेते हैं। तो ये श्लोक काफी आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, पर इसको लीडरशिप के साथ हम लोग कैसे ले। देखिए जब आप लोग आगे जाकर आई एम श्योर सभी लोग लीडर बनने वाले हैं, तो जब आप लोग लीडर बनेंगे ना, अगर आप एम्प्लॉय को कहते रहेंगे, सबॉर्डिनेट को कहते रहेंगे पर वो नहीं सुनने वाला, जब तक आप फॉलोअर को कहेंगे वह नहीं सुनेगा, बट जैसा जैसा लीडर कहेगा वह फॉलोअर नहीं करेगा, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। जी हाँ, अगर आपको फॉलोअर सब पे कोई काम करवाना है तो आपको खुद भी वैसा करना होगा। जैसे कि बहुत ही महान इसमें महात्मा गांधी जी ने श्लोक बोला है कि बी द चेंज यू वांट इन द वर्ल्ड, यानी कि पहले खुद में आपको चेंज लाइए तो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। तो यही हमें करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, बचपन में आप लोगों को ये पता था कि हमें ब्रश करना चाहिए, हमें नहाना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, नहीं पता था ना। लेकिन मम्मी पापा आपको कहते भी होंगे तो भी आप नहीं सुनते होंगे, पर जब आप लोगों ने देखा कि अरे मम्मी पापा भी सुबह उठकर ब्रश करते हैं, मम्मी पापा भी सुबह उठकर नहाते हैं और वह भी भगवान की आराधना करते हैं, तो हमने भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया वही चीज करना। तो जो जो लीडर करेगा वैसा वैसा ही फॉलोअर करेगा, पूरा वर्ल्ड वैसा ही करेगा। इसलिए मैंने कहा लीडर लीड्स द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को वह क्या करता है, लीड करता है। तो हमें भी क्या करने चाहिए, हमेशा अच्छे एक्शंस करने चाहिए, हमेशा वही काम करना चाहिए जो हमारे फॉलोअर्स से भी हम चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलिए उस पर हम लोग चलते हैं। आप सभी ने सर रतन टाटा का नाम सुना है, आप लोगों ने चलिए टाटा का तो नाम सुना होगा ना, टाटा की कार्स आती है और टाटा के स्टील पाइप्स का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। तो उसके ओनर कौन है, सर रतन टाटा। तो सर रतन टाटा की लाइफ की क्या एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक बार क्या कर रहे थे, वह नासिक जा रहे थे एक कार में अपने सारे सीनियर एसोसिएट्स के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए, जिससे टाटा कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता। तो अब क्या हुआ, जब वो जा रहे थे ना, तो एकदम से सबको फट ऐसी आवाज सुनाई दी, मीन्स टायर पंक्चर हो गया था गाड़ी का। अब पीछे का टायर जब गाड़ी का पंक्चर हुआ तो बाकी सब सीनियर एसोसिएट्स थे वो उतरे, उन्होंने कहा कि चलो जल्दी से ड्राइवर तुम टायर को बदल दो। लेकिन अब वो ड्राइवर तो बूढ़ा था, जैसे तैसे धीरे धीरे वो काम कर रहा था और ज्यादा एफिशिएंटली भी वह नहीं कर पा रहा था। तो बाकी सारे एसोसिएट्स तो कैजुअल हो गए, कोई चाय पी रहा था, वहां पर एक चाय की टपरी थी तो कोई समोसे खा रहा था। तो 5 मिनट बाद उन्होंने रियलाइज किया कि अरे रतन टाटा सर किधर हैं। तो रतन टाटा सर के पास वह गए, ढूंढने लगे इधर उधर। तो वह क्या कर रहे थे, वह उस ड्राइवर की हेल्प कर रहे थे गाड़ी का टायर बदलने में। तो अब सबने आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं ना, सारे जो एसोसिएट्स हैं वो रतन टाटा सर से पूछ रहे हैं कि अरे सर आप क्यों ये वर्क कर रहे हैं, हमने इस ड्राइवर को बोला तो है ये वर्क कर लेगा। तो सर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, हमें भी उसको लाइफ में उतारना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा कि देखिए अगर ये टायर 20 मिनट में ठीक करेगा और मेरी अगर मैं इसकी हेल्प कर दूं तो ये टायर क्या 10 मिनट में बदल जाएगा और हमें मीटिंग में जाने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, हमें अपनी बात रखने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमें हो सकता है कि जो फायदा हमें होना है वह हो जाए। और
साथ ही साथ अगर मेरे इतना सा काम करने से इस ड्राइवर को इतना मोटिवेशन मिलता है कि और एफिशिएंटली अब देखो काम कर रहा है और स्पीड इसमें बढ़ी है और फेथ बढ़ा है, मोटिवेशन आया है, तो मुझे इतना सा काम करने में फिर कोई भी हर्ज नहीं है। तो अब 5 मिनट तो हो चुके थे, तो बचे हुए टाइम में अब इन एसोसिएट्स ने भी क्या किया, उस ड्राइवर की हेल्प की और रतन सर की हेल्प की टायर बदलने में, और वो मीटिंग में 15 मिनट्स जल्दी पहुंचे और उनको क्या हुआ, 15 मिनट्स ज्यादा मिले अपनी बात रखने के लिए। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज है, देखो रतन सर को इसी मंत्र को फॉलो करके कितना बड़ा जो फायदा हुआ है ना। तो आप सब भी इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, टेल मी। ओके, यू ऑल कैन रेज हैंड या फिर आप थम्स अप दिखा सकते हैं मुझे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, माने सबको समझ में आ रहा है और सबको मजा आ रहा है, मींस मेरा सेशन बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना, अभी बता दीजिए आप लोग। नो, वी आर एंजॉयिंग। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अब लाइफ लेसन मिल रहा है, चाहे आप किसी भी एज के हो, इस लेसन को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल एकदम ध्यान से। आगे चलते हैं। ओके, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं। हाँ हाँ, आगे तो अब इस श्लोक में हम लोग अगले श्लोक पर आ गए, तो भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, ये है 6वें अध्याय का 35वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं, असंशयम् महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, सच में मन को कंट्रोल करना बहुत है, इसमें बहुत मुश्किल है, इसमें कोई संशय नहीं है, मनो दुर्निग्रह बहुत ही चंचल है, बट अभ्यास से तथा वैराग्य से हे कौन्तेय इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब हम इसे बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक एनालॉजी से समझेंगे कि ये मन कितना चंचल होता है ना। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो मन है ना, ये क्या है, ये माइंड है, कभी भी मन ये नहीं होता। संस्कृत में मन इज माइंड, मन हमारे हार्ट को हृदय बोलते हैं संस्कृत में। तो हमारे और सक्सेस के बीच में जब एक कदम की दूरी होती है ना, आप लोग भी सोचते होंगे, तो मन आ जाता है। जैसे कि कभी आप एकदम मूड बनाकर बैठे हैं कि यार आज तो मुझे पढ़ाई करनी है, सुबह से बोल रहे कम ऑन यस यू कैन डू इट, आप मुझे आज पढ़ाई करनी है, मुझे आज पढ़ाई करनी है, आपने सुबह से मन बनाया, और शाम को जब आप पढ़ाई करने बैठे तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि आपका मन इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने लगा, एकदम से फोन पर मैसेज आया कि कोई वंडर वुमेन 1984 का फ्री डाउनलोड आ गया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको कोई खाने की चीज याद आ गई, आपको देखने टीवी देखने का मन करने लगा, अरे मेरे फ्रेंड ने क्या नया मैसेज डाला है, इधर उधर माइंड एकदम से भागने लगता है, जैसे ही आप पढ़ाई करते बैठते हैं या गोल के क्या एकदम पास में होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्योंकि माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हर जगह आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता, बताइए होता है ना, ऐसा होता है ना। हाँ ओके, सब लोग हाँ मुझे थम दिखा रहे हैं। ओके, मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी होता था, आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे साथ भी होता था। तो पहले तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी कैमरा थोड़े सा ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों को देख पाऊँ, आपके इतने अच्छे अच्छे फेसेस हैं, मैं सबको देख पाऊँ। ओके यस, तो बहुत लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया, थैंक यू सो मच। तो अब वापस से आते हैं अपनी एनालॉजी पर, है ना। तो यस, है ना, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मन बहुत ही चंचल है। अब इसको कंट्रोल कैसे करें, आप इस एनालॉजी से हम लोग समझेंगे। देखिए हम लोग क्या होता है, हम लोग लेट अस सी कि हम एक बहुत बड़ी नदी पार कर रहे हैं, कैसे, पत्थरों पे पैर रख रख कर। आप देखिए ये एनिमेशन, ये बंदा ऐसे कर करके जैसे तैसे यहां तक तो आ गया, लेकिन क्या अब इसके और सक्सेस के बीच में कितना फासला है, ये एक पत्थर का, लेकिन ये पत्थर क्या है, माइंड, और ये बार बार क्या कर रहा है, ये बार बार इधर उधर हिल रहा है, घूम रहा है। तो अब अभी इंसान क्या करेगा, क्या करेगा, इस मन को या जो भी पत्थर है इसको दो रस्सियों से ऐसे कसकर बांध लेगा ना, तो ये हिलेगा नहीं, और फिर क्या कर पाएगा, ये आराम से इस पर पांव रखकर सक्सेस तक पहुंच पाएगा। देखा आप लोगों ने, एक बार वापस से मैं आप लोगों को देखिए ये दिखाऊंगा, ये पूरा सी कि हमारा मन कितना चंचल है, हम लोग यहाँ तक तो आ जाते हैं, बट
मन हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, बट इसे दो रस्सियों से जब कसकर पकड़ लेंगे तो क्या होगा, ये कंट्रोल हो जाएगा और हम सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। अब सवाल आ रहा होगा कि दो रस्सियां हैं क्या और इसको लाएंगे कहां से हम लोग, तो चलिए मैं बताता हूँ कि दो रस्सियां हैं अभ्यास और वैराग्य, जिसके बारे में Here with us this evening, we have learned a lot from you. Accept our deepest appreciation for all your enlightenment, my dear. Thank you so much, ma'am. I hope the kids will truly follow your inspiration, your words. Yes. On behalf of the Sage Group, we would like to present a certificate of honor as a token of love. Please accept it. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. My pleasure. Lavanya, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am. This time we met virtually, my dear Abhi, but we hope to meet you in person. Surely, ma'am. It would be my pleasure. Jaldi. Thank you very much once again, my dear. Sure. God bless you, my dear. We enjoyed the session a lot. Thank you so much, ma'am. और मुझे पता time constraint था, लेकिन जितने भी बच्चों को मैंने कहा आप लोग की चलिए दो life lesson ही हम cover कर पाए, but they are very important. That was very important. अपने as a leader अपने चेंज लाएंगे और अपने मन को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे और बाकी सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो बस ये दो पॉइंट मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप लोग अपने माइंड में गांठ बांध कर रखें और याद रखें इनको। एंड एज सून एज द स्कूल विल रीओपन ना अभी, वी आर गोइंग टू कॉल यू इन आवर स्कूल। अरे मैम, इट वुड बी माय प्लेजर, और मैं खुद भी इतने चार्मिंग फेसेस हैं, इन सबसे मैं भी वापस से जल्दी मिलना चाहूंगा। आप लोग मुझसे जल्दी मिलना चाहते हैं? यस यस ऑफ कोर्स। ओके, सारे बच्चे थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू माय डियर। थैंक यू अभी। थैंक यू वेरी मच माय डियर। गॉड ब्लेस यू।